इंटरनेट अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। ऐसी खबर है कि उसे कराची में किसी अज्ञात शख्स ने जहर दे दिया है, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस खबर को लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स का दावा है कि दाऊद इब्राहिम को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। यहां लोग उसकी इस हालत का जश्न मना रहे हैं। वहीं ऐसी भी खबर है कि दाऊद की गैंग के पूर्व सदस्यों ने दावा किया है कि दाऊद गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती है। उसे 2 दिन पहले यहां लाया गया था। यहां उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। जिस फ्लोर पर दाऊद का रूम है, वहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। वहां केवल उसके परिवार के लोग और शीर्ष अधिकारी जा सकते हैं। बता दें कि हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई हमले का आरोपी है। अमेरिका ने भी उसे आतंकी घोषित कर रखा है। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत से भाग गया था। यही डी कंपनी का वो सरगना भी है। भारत की खुफिया एजेंसियां दाऊद के ठिकाने के साथ साथ उसकी आवाज तक हासिल कर चुकी हैं। खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में उसके उन ठिकानों तक भी पहुंची जिन्हें वो अभी तक दुनिया से छिपाता आ रहा है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब दाऊद की आवाज के आधार पर भारत की एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची थी कि दाऊद कराची में ही है और वहां से अपना गैर कानूनी कारोबार चला रहा है।